ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी मुख्यालय पर भरा पानी, जिलाधिकारी कार्यालय पानी में हुआ तब्दील, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, एसडीएम से लेकर कर्मचारी को दफ्तर पहुंचने में हो रही है परेशानी, फरियादी भी जिला कार्यालय पहुंचने में हो रहे हैं परेशान, जरा सी बारिश होते ही भर जाता है जिला कलेक्ट्रेट में पानी। जहां जिले का विकास शुरू होता है वहीं हुआ जल भराव, जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से कई बार प्राधिकरण को दिया जा चुका है शिकायत पत्र, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है पानी की निकासी। कहाँ आए हैं आप? मैं डीएम साहब के हैं और एडीएम साहब के हैं। तो कैसे पहुंचना पड़ रहा है आपको पानी से निकल के, कैसे पहुंचना पड़ रहा है? पानी से निकल के आपको सामने दिख ही रहा है कितने घुटने घुटने पानी है। क्या आपने कोई शिकायत लेके आए थे? हाँ, शिकायत है, हमारा मुकदमा चल रहा है। तो ये पानी अक्सर भरा रहता है क्या, बारिश होती है तो भरा? देखो मैंने तो आज ही देखा है ऐसा। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहपुर गाँव से आया हूँ। मैं आया हूँ यहाँ काम से आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे पानी भरा मिला इसलिए वापस जा रहा हूँ। पार्किंग की भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप तो गाड़ी से आए हैं तो पानी अंदर? मैं गाड़ी से आया हूँ तो वैसे उतरूंगा मैं। तो अभी आप शिकायत लेकर अंदर नहीं पहुँचे हैं? नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचा वापस। तो क्या पानी अक्सर भरा रहता है? जब भी बरसात होती जब भी भरा रहता। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।